हेलो क्लास, सो वेलकम बैक। एंड आज हम लेकर आ रहे हैं पार्ट टू ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और यहाँ पर मैंने जो ट्रिक्स आपसे पार्ट वन में शेयर करी थी, उसी तरीके की कुछ ट्रिक्स जो है नेशनल पार्क्स को याद करने के लिए हम पार्ट टू में शेयर करने वाले हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं। पहला जो नेशनल पार्क है इन पार्ट टू सीरीज ऑफ द नेशनल पार्क्स वो है, तो वो पहला पार्क है हमारा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर है। अब मणिपुर का कैसे याद रखेंगे? देखो यार, मणिपुर में हम मनी से याद रख लेंगे। मनी से हमने बस इतना याद रखना है कि जब पैसा होता है, मनी होती है ना इंसान के पास, तो उसकी रूह खुश हो जाती है ना, तो वो एकदम अंदर से वो खुश हो जाता है। और एकदम यहाँ से हम इससे सिरोही नेशनल पार्क याद रख लेंगे। और उसी के साथ ये नाम ही बड़ा डिफिकल्ट सा है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा इतने जल्दी ऐसे खुश होके, जब बहुत ज़्यादा मनी आ जाती है, पैसा आ जाता है, रूह खुश हो जाती है, तो हम एकदम से ऐसे क्या बोलते हो भाई, हम इतने इतना पैसा आ गया, ठीक है ना, सो केबुल। ठीक है, सो यहाँ से जो है हम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सिक्किम का। सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है यार, और ये बड़ा ही अजीबोगरीब नाम है, खांग चेनजोंगा पार्क। तो ये वैसे भी नाम से ही लगता है, जो उस साइड के जो लोग होते हैं आपकी ईस्ट के, वो उस वैसे भी इस तरीके की चाइनीज, थोड़ी थोड़ी उनका एक्सेंट होता है, लैंग्वेज थोड़ी, भाषा भी उस तरीके से मतलब होती है, तो खांग चेनजोंगा पार्क। ठीक है, एक ही पार्क है सिक्किम का, ऐसे याद रख लेंगे। मिजोरम में हम देखो ऐसे याद रखेंगे, मिजोरम में हम राम से याद रखेंगे। अब पड़ता तो ये भी ईस्टर्न साइड पर, और राम जी जो श्री राम है, जिनको हम रिलीजियस फिगर भी मानते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो है राम के साथ साथ जैसे कृष्ण भगवान होते हैं, राम जी होते हैं, ठीक है ना। अब कृष्ण भगवान जी के पास क्या है, मुरली पकड़ते हैं वो, ठीक है, सो मुरलेन नेशनल पार्क। तो वैसे ही राम जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, तो ये जितने रिलीजियस फिगर्स हैं, इन्होंने हमने इनके नाम से याद रखना है। और कृष्ण भगवान जी का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है, नीले रंग के होते हैं, सो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो मिजोरम से राम से जो है हम कृष्ण भगवान जी को याद रखेंगे, और कृष्ण भगवान जी से हम मुरलेन नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क याद रखेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है गोवा। गोवा का भी एक ही नेशनल पार्क है, मोलेम नेशनल पार्क। ठीक है, सो मोलेम नेशनल पार्क को हम कैसे याद रख सकते हैं, या तो गोवा में, देखो गोवा में हम जाते हैं, हमें ज्यादा मॉल नहीं मिलते, ठीक है, गोवा में आपको मॉल मिलेंगे ही नहीं, वहां पे बीचेस हैं, वहां पे स्ट्रीट फूड है, वहां पे इस तरीके का एक बीची वाइब है, और मॉल्स जो है वहां पे आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से वैसे ही हम मोलेम से जो है गोवा का याद रखेंगे कि मॉल नहीं है, लेकिन मोलेम नेशनल पार्क वहां पर है। ठीक है, उसके बाद नागालैंड का भी एक ही पार्क है, नतांगकी नेशनल पार्क। ठीक है, सो नागालैंड में हम नाग से याद रख लेंगे। अब देखो सांप होते हैं, सर्पेंट होते हैं ना, जो सर्पेंट प्लीजर होते हैं, जो सांप करके वो लेकर आते हैं, और उस तरीके के डांस वांस उनको दिखाते हैं, ठीक है ना, आपके यूजुअली लेन्स में भी आते हैं, तो काफी ज्यादा नाटक करके उनका एक मनोरंजन तरीके से उनका नाच दिखाते हैं, सो नाटक करके वो सांप का एक डांस वगैरह वो सब दिखाते हैं। ठीक है, सो नागालैंड से हम ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आ गया तेलंगाना। तो तेलंगाना से जो है हम गाना से याद रखेंगे, सो गाना से गवानी तो याद रखेंगे, मरू गवानी, ठीक है, गवानी नेशनल पार्क, और साथ ही साथ कवल टाइगर रिजर्व। सो कवल टाइगर रिजर्व, अब आप समझ सकते हो कवल से हम याद रखेंगे कि कावा, ठीक है, जैसे हम कावा पीते हैं ना, तो कावा पी के गला जो है बड़ा अच्छा हो जाता है, उससे बड़ा अच्छा गाया जाता है, ठीक है, सो गाना से मरू गवानी एंड कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना से। ओके, अगला बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश, और यहाँ से हम आंध्रा से याद रखेंगे। अब आंध्रा से मतलब कि अंधेरे से, ठीक है, अंधेरे से याद रखेंगे। तो जो भी कोई पापी बंदा है ना, ठीक है, कोई पापी इंसान है, सो पापी गुंडा से पापी इंसान जो होता है वो हमेशा अंधेरे में रहता है, ठीक है, वो कभी भी उसको लाइटनिंग नहीं मिलते, इनलाइटेड नहीं हो पाता वो, सो पापी इंसान हमेशा अंधेरे में रहता है आंध्र प्रदेश। और अंधेरे से निकलने के लिए, उसको एनलाइटमेंट करने के लिए हमारे पास एक मंदिर भी है, श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी है, ठीक है, सो उसको क्या करना पड़ता है, मंदिरों में जाना पड़ता है, श्री वेंकटेश्वर पार्क जो है यहाँ से हम याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से हमने दो नेशनल पार्क याद रखने हैं, मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, सो अरुणाचल से कैसे याद रख सकते हैं हम,
मोलिंग मोलिंग देखो दो ही यहाँ पे नेशनल पार्क है, एम एंड एन, ठीक है। सो एम एन से हम याद रखेंगे मोलिंग और नामदफा नेशनल पार्क, मतलब क्या नाम है भाई, क्या नाम है, अरुण नाम है, ठीक है। कहाँ से हम नाम प्रोनाउंस करते हैं, मुंह से बोल रहे हैं, अरुण नाम है मोलिंग और नामदफा, दफा दोबारा से बोलो जरा, ठीक है, कहाँ से बोलना है, मुंह से बोलना है, सो मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। चलो बहुत ही सिली सी ट्रिक्स हैं, बट आई होप आपको याद करने के लिए हेल्प करेंगे। उत्तराखंड में हमारे पास कुछ और नेशनल पार्क्स हैं जो हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हैं जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स। तो उत्तराखंड जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, नॉर्थ में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ से हम एक तरीके से जिम कॉर्बेट तो हमें पता ही है उत्तराखंड में है, सबको पता है, ठीक है, पहला नेशनल पार्क था ये, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या 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 हुआ, पहला नेशनल पार्क था, तो यहाँ से नेशनल पार्क हमारे क्या होते हैं, उतरते हैं, मतलब आगे आगे बढ़ने लगते हैं। जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क था, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद अब पहला नेशनल पार्क था तो राजाओं की तरह जो है इसको सबने ट्रीट किया, क्योंकि पहली जो भी चीज होती है उसको बड़ा ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, राजा की तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, सो राजा जी नेशनल पार्क। और सिंस राजाओं की तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो बड़े ज़्यादा ना वहाँ पे फ्लावर्स जो हैं आप उनको बिछाओगे राजा के आगे ना, और उसको अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे से कॉरोनेट करोगे, उसका राज तिलक किया जाता है, ठीक है। सो पहला नेशनल पार्क है, एक पहला बच्चा जब बेटा जब होता है तो क्या होता है, उसका राजाओं की तरह स्वागत होता है, उस पर फूल बरसाए जाते हैं, सो वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। और उसके बाद नंद किशोर हो गया, नंद देवी हो गया, ठीक है, सो बच्चे की तरह उसका जो है स्वागत किया जाता है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क। सबसे पहले उत्तराखंड में पहला नेशनल आपको याद रखना है पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये ऑल ओवर इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था। अब जो भी पहला नेशनल पार्क है उसको राजाओं की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उस पर फूल बरसाए जाते हैं, और वहाँ पर नंदलाल, नंद किशोर, इस तरीके के नाम जो है उसको पुकारा जाता है, सुनंद देवी नेशनल पार्क। ओके, उसके बाद हमारे पास अगले जो नेशनल पार्क है वो है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। सो छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है, दो नेशनल पार्क है हमारे पास, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। अब यहाँ भी हम बोल सकते हैं इसको हम या तो छत्तीस से याद रख सकते हैं, तो गढ़ से याद रख सकते हैं, गढ़ यानी कि हम घर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो कहाँ पर घर है भाई, घाटी में, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे जेएनके के बच्चे रिलेट कर जाएंगे, जेएनके में यूजुअली घाटी में अच्छी अच्छी वैलीज में घर देखने को मिलते हैं, और वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कांगड़ी यूज करते हैं सर्दियों के टाइम पे, ठीक है। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क हम याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। तो जेएनके को क्या बोला जाता है, जेएनके को बोला जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें, लेकिन हमने घाटी की बात करी है तो एक ट्रिक की तरह हम याद करें, अपने ही एरिया की बात हम याद करें, तो यहाँ पर यूजुअली हम भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र देवी, इंद्र भगवान की पूजा करी जाती है, ठीक है, अच्छी बारिश होती है इंद्र देवता, तो वहां से हम इसको याद रख सकते हैं, इंद्रवती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, ठीक है। अब आ जाता है असम का, सो असम के जो नेशनल पार्क्स हैं वो हम ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहला जो असम का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, ये सबको पता होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तुम्हें याद रखना ही रखना है, ठीक है। सो काजीरंगा असम का नेशनल पार्क है। असम कहाँ पड़ता है, एकदम ईस्टर्न साइड पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मानस नेशनल पार्क, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कुछ नहीं याद रखना, हमने एक की वर्ड याद रखना है, मंक या मोंक डी, मोंकी होता है ना, हमने याद रखना है मोंक डी, ठीक है, क्या याद रखना है, मोंक डी। असम में क्या है, एम से शुरू करना है, मोंक डी, ठीक है, क्या याद रखना है, मोंक डी, ठीक है। मोंक्स होते हैं ना बुद्धिस्ट, और वहीं पे उसी एरिया में ज्यादा, असम वाले एरिया में ना ज्यादा, और उसी ईस्टर्न साइड पे बुद्धिस्ट कल्चर ज्यादा देखने को मिलता है, तो मोंक्स का कल्चर बहुत देखने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे रखेंगे मोंक डी, ठीक है। तो मोंक से क्या है, एम से मानस, ओ से औरंग, एन से नामेरी और डी से डिब्रू साइक होगा, ठीक है। सो मोंगडी से हमने ये नाम याद रखे हैं असम के, ओके। अगला आ जाते हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ के नेशनल पार्क सबको पता होने चाहिए, और जम्मू कश्मीर के जो नेशनल पार्क्स हैं उनको नजर मार लेते हैं। तो पहला है डचिगम नेशनल पार्क, दूसरा है हेमिस नेशनल पार्क, तीसरा है किश्तवाड़, और चौथा है सलीम अली नेशनल पार्क। अब जेएनके क्या है, मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है, सॉरी स्टेट है, तो यहाँ पर यूजुअली सलीम अली जो है, वैसे भी लग रहा है थोड़ा मुस्लिम, थोड़ा
अली और इस तरीके के नाम होते हैं मुस्लिम्स के, ठीक है। तो हम यहाँ से तो याद रख सकते हैं सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। उसके अलावा किश्तवाड़ जो है आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है J&K में, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हेमिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ J&K और ये ले में आपको देखने को मिलेगा, तो हेमिस जो है ये याद रखना है, ठीक है। और फिर क्या है डचीगम, तो डचीगम जो है ये इजी है, सबको पता होंगे, इसलिए मैं इस पर कोई ट्रिक नहीं बना रही, ये सबको टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है, J&K के। तो डचीगम नेशनल पार्क, ओके। उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र पे, सो महाराष्ट्र के जो नेशनल पार्क्स हैं वो देख लेते हैं, चंडोली, नेगांव, संजय गांधी, तड़ोबा एंड गुगामल, ठीक है। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में बॉम्बे है, बॉम्बे इज द हब ऑफ व्हाट, बॉलीवुड, ठीक है। वहाँ पे बॉलीवुड का आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है हीरोज़ हैं वहाँ पे एक हीरो हमारे पास संजय दत्त भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे बॉलीवुड है, संजय गांधी है, ठीक है। अब गांधी, अब यहाँ पे बहुत याद रखना है, एक संजय नेशनल पार्क भी है और एक संजय गांधी नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संजय गांधी नेशनल पार्क की, ठीक है। और बॉलीवुड से क्या होता है, बड़ा ना पैसा भी आता है, बहुत पैसा आता है बॉलीवुड से, पैसे पे क्या होता है गांधी की फोटो लगी होती है, ठीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि संजय गांधी जो है, एक तो बॉलीवुड है, बॉलीवुड से पैसा आता है, दोनों ही जो गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब क्या होता है बॉलीवुड से हमारे पास ताबड़ तोड़ करके जो है पैसा आ रहा है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, बॉलीवुड इज अ हब, पैसा कमाना है तो भाई बॉलीवुड में चल जाओ, है ना। तो तड़ोबा नेशनल पार्क करके हम बोलते हैं ताबड़ तोड़ पैसा आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली पैसे की बात कर रहे हैं, तो माल की बात करें तो गुगा माल नेशनल पार्क, ठीक है। तो माल की बात कर रहे हैं हम, पैसे की बात करें, तीन नेशनल पार्क हमने याद रखे, संजय गांधी, तड़ोबा और गुगा माल, ठीक है। निगांव और चंडोली नेशनल पार्क जो है, ये दो नेशनल पार्क हमने कैसे याद रखना है, महाराष्ट्र की बात हो रही है और यहाँ पर ना गोरेगांव है महाराष्ट्र में, ठीक है। इस तरीके की एरियाज हैं, वहाँ से हम निगांव नेशनल पार्क याद रखेंगे और चंडोली जो है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि पिक्चर में ना यूजुअली बहुत ज़्यादा इस तरीके की स्टोरीज दिखाई जाती हैं, काफ़ी ड्रामेटिक स्टोरीज होती है, कोई किसी की डोली ये वो, कैसे भी याद रखना यार, बस तुम्हें याद रखना है चंडोली नेशनल पार्क एंड निगांव नेशनल पार्क, जो दो नेशनल पार्क हम याद रख सकते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में हमने तीन नेशनल पार्क और देखे, संजय गांधी बॉलीवुड से देखा है, बहुत ज़्यादा माल आता है वहाँ से तो गुगा माल नेशनल पार्क, और ताबड़तोड़ करके पैसा आ रहा है तो तड़ोबा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके अलावा चंडोली और निगांव नेशनल पार्क हमने देखा, ठीक है। मेघालय में भी दो नेशनल पार्क हैं जो हम छोटी सी ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, या नहीं भी ट्रिक रखनी है तो ज़्यादा ट्रिक्स भी मत रखना यार, देखो तुम्हें ना कन्फ्यूजन हो जाएगी इतनी ट्रिक्स में, तो कोशिश करो जो ऐसे याद हो जाते वो ऐसे याद रखो। तो मेघालय क्या है, बाल फक्रम नेशनल पार्क, और ये है नोक्रेक नेशनल पार्क, ठीक है, नोक्रेक नेशनल पार्क। तो मेघा यार एक तरीके से ना लड़कियों का भी नाम होता है, लड़कियां क्या करती है, बड़ी रोक टोक करती हैं, बड़ी नोकझोंक होती हैं उनमें, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं नोकझोंक करती रहती है। सो यहाँ से हम याद रखेंगे नोक्रेक, मेघा नोक्रेक, ठीक है। उसके बाद बाल फक्रम नेशनल पार्क जो है, हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे, बाल फक्रम नेशनल पार्क, तो नोक्रेक और बाल फक्रम नेशनल पार्क हमने मेघालय से याद रखना है, ठीक है। और पंजाब का एक वेटलैंड है जो हमें याद रखना है, हरिकेन वेटलैंड। तो पंजाब में ना सादा हरा हरा ग्रासलैंड, सब कुछ ग्रीन ग्रीन होता है, तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं हरिके वेटलैंड। उसके अलावा तमिलनाडु का मैंने डिस्कस कर दिया था, यहाँ पे मैंने मिल्क का एक एग्जांपल दिया था, जहाँ पे मलाई बनती है, मुक जाती है, पानी यूज़ होता है, इस तरीके के एग्जांपल्स दिए थे मैंने, एक ट्रिक दिया था, तो ये हम देख सकते हैं। अंडमान निकोबार के आपने सबसे पहले तीन तो हमने ऐसे याद रखने हैं कि नॉर्थ बटन है, ठीक है, मिडल बटन है और साउथ बटन है, तीन नेशनल पार्क्स हो गए, नॉर्थ बटन, मिडल बटन और साउथ बटन, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार है, तो अंडमान में हम नॉर्थ लिख सकते हैं, एंड में हम मिडल लिख सकते हैं, और निकोबार में हम साउथ लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, नॉर्थ बटन, मिडल बटन एंड साउथ बटन, तीन है तो नॉर्थ, मिडल एंड साउथ, ओके। उसके बाद गांधी वाला, संजय गांधी वाला कहाँ देखा था हमने, संजय गांधी देखा था, वो पैसा आता है बॉलीवुड वाला, ठीक है, संजय दत्त भी और पैसा भी है, तो महाराष्ट्र में देखा था। यहाँ पर सिर्फ है अब हम महात्मा नेशनल पार्क, ठीक है, सो महात्मा, ठीक है, ये भी हम उनके साथ लगाते हैं, गांधी जी के साथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम महात्मा जो नेशनल पार्क है, ये अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगा, बड़े ही
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, और तीनों ही नॉर्थ मिडिल और साउथ नेशनल पार्क देखेंगे तो बहुत महान आत्मा है भाई, बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो नेशनल पार्क हमें याद रखना है, रानी झांसी, जो झांसी वाली रानी जो आपने सुना ही होगा, ठीक है, तो रानी झांसी जो नेशनल पार्क है वो भी अंडमान एंड निकोबार में ही बनाया गया है। सैडल पीक है, ठीक है, सैडली जो है, हम ऐसे बोल सकते हैं, सैडली जो है रानी झांसी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, बट इसको यूजुअली इन्होंने कहाँ से लड़ाई करी थी, इन्होंने आपके झांसी, ठीक है, लक्ष्मीबाई जो कि यूपी में है वहाँ से लड़ाई करी थी, पर इनका नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, तो ऐसे कर सकते हैं। सो सैडली इनका जो नेशनल पार्क है यूपी में होना चाहिए था बट अंडमान निकोबार में, ऐसे 1857 में इनकी लड़ाई हुई थी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद माउंट हैरियट है, ठीक है, सो माउंट हैरियट इज़ अ नेशनल पार्क। दो और याद रखना है, कैम्पबेल और गैल्थिया, ठीक है, तो कैम्पबेल, ठीक है, अरे भाई घंटी बजाओ, बेल बजाओ, और ये देखो कि रानी झांसी का ना, सैडली जो इनका नेशनल पार्क है वो अंडमान निकोबार में, बट इनका यूपी में होना चाहिए था, जल्दी से इनके दिमाग की घंटी बजाओ और इनको बताओ कि इनका नेशनल पार्क भी यूपी में होना चाहिए था, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। एंड गैलेथिया, एक नेशनल पार्क आपने याद रखना है, वो है गैलेथिया, ठीक है, तो बाकी की सारी चीज़ें हमने आपको बताई, बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो नॉर्थ मिडिल और साउथ यहीं पर ही है, तो नॉर्थ बटन, मिडिल बटन एंड साउथ बटन कहाँ पर है, बहुत ज़्यादा है महात्मा नेशनल पार्क, ठीक है, इसलिए महान, ठीक है। उसके बाद सैडली बात करूं तो सैडली पीक यहां पर ना रानी झांसी का नेशनल पार्क है, अरे इनके दिमाग की घंटी बजाओ कि ये जो नेशनल पार्क है ये यूपी में होना चाहिए था, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सो इस तरीके से हमने ये नेशनल पार्क याद कर लिए, और गैल्थिया नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, और मध्य प्रदेश में हमारे पास जो नेशनल पार्क्स हैं वो हैं बांधवगढ़, कान्हा, माधव, मंडला, वन विहार, पन्ना, पेंच, संजय नेशनल पार्क एंड सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में एक तो रेंज है आपकी सतपुरा रेंज, ठीक है, सतपुरा रेंज जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, यहीं से हम सतपुरा नेशनल पार्क याद रख सकते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे था, जहाँ पे बड़ा पैसा है, ठीक है ना, नोट पे किसका वो फोटो होती है, गांधी जी की फोटो होती है, तो संजय गांधी जो है नेशनल पार्क को हमने देखा महाराष्ट्र में, लेकिन सिर्फ संजय नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को बोला जाता है हार्ट ऑफ दी कंट्री, ठीक है, तो संजय दत्त जो है इस तरीके से हम उनको ले सकते हैं कैरेक्टर को, और उनको बोल सकते हैं कि इन्होंने दिल खोल के जो है हर जगह, मतलब ऐसे भी अच्छे माने जाते हैं, तो संजय नेशनल पार्क जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। और उसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क आपका कृष्ण भगवान जी का भी नाम कान्हा है, और बड़े दिल से लोग इनको चाहते हैं ऑल ओवर दी कंट्री, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो कान्हा नेशनल पार्क भी हम बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश में है। और देखो यहाँ पे ना यूजुअली इनका जो हमने वो देखा था ना एरिया देखा था, जंगलों में जो है इन्होंने टाइम बिताया अच्छे से, तो वन विहार, वन को भी हम जंगल बोलते हैं, वन विहार नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में है। पन्ना नेशनल पार्क, सर पे ना एक तरीके से ये वो पीकॉक का वो लगाते थे, फेदर लगाते थे, जिसको हम पन्ना भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और पेंच, पन्ना और पेंच जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। माधव भी इनका एक नाम है, ठीक है, कृष्ण भगवान जी का, तो उसको माधव नेशनल पार्क भी बोलेंगे। और बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपने एक याद रखना है, जो भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो सतपुरा रेंज से हमने याद रखना है। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश इज द हार्ट ऑफ द कंट्री, और वहां से हमने कृष्ण भगवान जी की एक फोटो ले आनी है अपने दिमाग में, वाई, बिकॉज कृष्ण भगवान जी को भी दिल से सब चाहते थे, ठीक है, सो वहां से कृष्ण भगवान जी से हमने सारे नेशनल पार्क याद रखना है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान जी से हमने कान्हा नेशनल पार्क याद रखना है, माधव नेशनल पार्क याद रखना है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क याद रखना है, पन्ना नेशनल पार्क याद रखना है, पेंच नेशनल पार्क याद रखना है, और संजय नेशनल पार्क भी हमने मध्य प्रदेश में है वो भी याद रखना है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो दो नेशनल पार्क्स हैं, अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपके नेशनल पार्क्स का पार्ट टू भी कवर कर दिया है। अगर आपको याद हो गए होंगे, अगर अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट हम और वीडियोस आपके लिए लेकर आएं, छोटी छोटी ट्रिक्स का, और अगर आपको चेंजेस करवाने हैं वो भी आप हमें रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। सो देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में।